4 साल पहले विकास के सफर पर साथ चलने का जो संकल्प आपने और हमने मिलकर लिया था, मुझे प्रसन्नता है कि हम उसे पूरा करने में सफल हुए हैं। इसका श्रेय प्रदेश के 7.5 करोड़ भाई और बहनों को जाता है। 2013 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया, तब यहाँ हालात ठीक नहीं थे, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, चारों तरफ निराशा का माहौल था। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आधारभूत ढांचे का विकास, युवाओं को रोजगार, वंचितों को हक, महिलाओं का सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रही। हमारे प्रयासों से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। आज अन्नपूर्णा भंडारों पर किफायती दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान और पॉस मशीन के माध्यम से लोगों को उनके हक का पूरा राशन मिल रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीब व्यक्ति भी अच्छी चिकित्सा की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की सफलता की कीर्ति सरहदों के पार पहुंच गई है। प्रदेश जल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। अन्नपूर्णा रसोई से जरूरतमंद लोगों को सस्ता और अच्छा भोजन, आदर्श विद्यालय से अच्छी शिक्षा, आदर्श PHC से अच्छा इलाज, राजश्री योजना से बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर और भामाशाह योजना से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी लीकेज से मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर लाने में राजस्थान आगे है। डिजिटल राजस्थान के सपने को साकार करने में भी हम सफल हुए हैं। सोच नई काम कई के संकल्प को लेकर विकास के इस सफर में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सफर में हमेशा की तरह आपका साथ और आशीर्वाद बेहद जरूरी है, इसलिए आओ साथ चलें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत बनाने के लक्ष्य को पार करें। जय जय राजस्थान।